हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर गुड। आज 2 जैन है तो आज हम कवर करेंगे इंडिया को जो 8 बीचेज पे ब्लू फ्लैग फहराने के लिए अचीवमेंट मिला है वो किसके द्वारा दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इसके क्या क्या रीजन होते हैं और इंडिया कौन से प्लेस पर स्टैंड करता है, ये हम सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए, देखते रहिए वीडियो और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होगी आई से। उससे पहले हम देख लेते हैं इंडिया को जो अनफल की इंडिया ने जो फहराए हैं ब्लू फ्लैग और उसके बीचेज पे वो 8 बीचेज कौन कौन से हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप लोधी और मुझे प्रेजेंटेशन देने में बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन से आपको कुछ शो करता हूँ। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी आईडी है। और हम शुरू करते हैं अब वीडियो, जो भी इंडिया को अचीवमेंट मिला है वो क्यों मिला है और इसके क्या रीजन है, ये क्यों दिया जाता है, इसके सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जो हमारी यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर आप जानते होंगे प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग, जो ब्लू फ्लैग होता है वो इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग होता है जो बीचेज पर फहराया जाता है। तो हमारे इंडिया को 8 बीचेज पर फहराने की परमिशन मिली है और ये हम देखते हैं क्यों। इसके जो रीजन है, इसलिए फहराया जाता है क्योंकि जो बीचेज होते हैं वो काफी क्लीन होते हैं, काफी हाइजीनिक होते हैं और इन सब के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं, इंडिया पहला देश है पूरे वर्ल्ड में जिसने अचीव किया है ये माइलस्टोन। तो 8 बीचेज पर, सिंगल अटेम्प्ट में 8 बीचेज पर इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिली है 8 बीचेज पर ब्लू फ्लैग फहराने की। सो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिसीव द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ऑफ 8 बीचेज इन अ सिंगल अटेम्प्ट। रिमेंबर दैट, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, सिंगल अटेम्प्ट में कौन सी कंट्री है जिसने जिसको 8 बीचेज पर ब्लू फ्लैग फहराने की परमिशन मिली थी। तो ये है इंडिया, हमारा भारत देश पहला देश बन गया है जिसको पहले ही अटेम्प्ट में इतना बड़ा सर्टिफिकेशन मिल गया है कि 8 बीचेज पर वो ब्लू फ्लैग फहरा सकते हैं। इंडिया सिक्योर्ड द इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फॉर दीज बीचेज ऑन 6th अक्टूबर। 6th अक्टूबर को ये अचीवमेंट हमको मिला हुआ था, लेकिन हाल ही में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने इन सभी 8 बीचेज पर वर्चुअली झंडा फहराया है जो कि नीला झंडा होता है। इंडिया रेज्ड 8 ब्लू फ्लैग ऑन दी बीचेज, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछ सकते हैं कि कितने हमारे पास बीच हैं जहाँ पे ब्लू फ्लैग फहराया गया है। तो ऐसे 8 बीच हो चुके हैं हमारे भारत देश में। वंस अगेन डेमोन्स्ट्रेटिंग अ नेशनल कैंपेन टू डिफेंड इट्स कोस्टल एरिया, जो हमारे कोस्टल एरिया है उनको डिफेंड करने के लिए नेशनल कैंपेन चलाया गया है। और इस सभी जो हमारी अपॉर्चुनिटी है, ये कहीं ना कहीं शो करती है कि हम एक बेहतर कल के लिए बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इन चीज़ों को अपनाते जाएं धीरे धीरे और जो भी हमारी कचरा होते हैं उन्हें वेस्ट मैनेजमेंट हमको करना सीखना होगा, जिससे कि हम और भी अपने माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं। दी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एट एज इको लेवल से रिकॉग्नाइज किया जाता है कि हमारा देश जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हुआ है वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की वजह से हुआ है अभी। और ये आपको पता ही है, इंडिया में ऐसी कौन सी सिटी है जो कि फर्स्ट रैंक करती है क्लीनलीनेस के लिए, कौन सी सिटी है ये आपको पता ही होगा। आपका बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में इंडिया की फर्स्ट कौन सी सिटी है। और ये है 8 बीचेज, ये आप जो देख रहे हैं ये 8 बीचेज हैं। फर्स्ट है कप्पड़ जो केरला में है, फिर है शिवराजपुर गुजरात, घोगला दीव कसरकूड और पादुबिदरी कर्नाटका, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश, गोल्डन ओडिशा एंड राधा नगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये 8 जो बीचेज हैं ये आपको याद रखने होंगे। हो सकता है आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा बीच है जिस पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया है जिसको, और हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन बन जाए कि किस पे नहीं फहराया गया है। तो ये आपको सारे नाम याद करने होंगे। ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे है ओडिशा, ये है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे भी एक बीच है, अंडमान निकोबार पे बीच है, केरल में है, कर्नाटका में ये 2 बीच मिले हैं और ये है गुजरात में। तो ये दमन एंड दीव में है, ये दीव में है और ये है गुजरात में। तो ये सारे बीच हैं जो 8 बीच हैं वो हमने कवर किए हैं। अब इसकी हाईलाइट देख लेते हैं, क्यों ये दिए जाते हैं, क्या रीजन होते हैं। जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने हमें बताया है कि दी सर्टिफिकेशन इज अ ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स, यानी कि जो भी हमने एफर्ट्स डाले थे अपने जो पहचान के लिए वो हमने अचीव कर लिया है।
जो हमारा सर्टिफिकेशन है ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिया कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो हमने हासिल कर लिया है। ये काफ़ी अच्छी खबर होती है भारत देश के लिए कि हम धीरे धीरे अपने माइल स्टोन्स की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम स्वच्छता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अचीव द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ऑफ 8 बीचेज इन अ सिंगल अटैम्प्ट। ये आपको याद रखना है, 8 बीचेज पे हमने सिंगल अटैम्प्ट में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन लिया है। एंड वी होस्टेड द ब्लू फ्लैग्स इन ऑल द बीचेज। तो हमने जो भी सारे बीचेज पे हमने ब्लू फ्लैग फहराया है, जो हमारे मिनिस्टर हैं प्रकाश जावेदकर जी, उन्होंने ब्लू फ्लैग फहरा दिया है सभी 8 बीचेज पर। The Blue Flag Certification is a globally recognized eco level provided by the Foundation for Environment Education in Denmark. ये आपको याद रखना है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है Foundation for Environment Education in Denmark। इसका हेडक्वार्टर है डेनमार्क में। और यदि आपसे नाम पूछा जाता है कि किस के द्वारा दिया जाता है, भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो यह है Foundation for Environment Education और ये इसका हेडक्वार्टर है डेनमार्क में। यह 33 strict जो क्राइटेरिया हैं उनके अकॉर्डिंग दिया जाता है। जो इन 33 क्राइटेरिया को पास कर जाते हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। The Air Correspondent Report, a national level campaign integrated with the BIMS. BIMS क्या होता है? Beach Environment and Aesthetic Management Service। ये आपको याद रखना है, आपसे यदि BIMS का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इसका फुल फॉर्म है बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज। इस प्रोग्राम के तहत जो हमने अवेयरनेस फैलाई थी एजुकेशन ऑफ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जनरली, वो हमने अचीव कर ली है। जो बीम्स है ये इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट इनिशिएटिव है। यह एम करता है कि जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो हमारे 13 कोस्टल रीजन है कंट्री के, उनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए। इसका मेन गोल है टू प्रोटेक्ट दी प्रेस्टीन कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम। जो भी हमारा कोस्टल और इकोसिस्टम है मरीन लाइन का, जो हमारा मरीन का इकोसिस्टम है उसको बरकरार बनाए रखना। जो हमारे कोस्टल रीजन है वहाँ पे जैसे काफ़ी ज़्यादा मछलियों को पकड़ा जाता है और काफ़ी ज़्यादा अभी हाइजीन करने की कोशिश चल रही है, लेकिन काफ़ी कचरा फैलाते हैं हम लोग, तो इन सब पे हमको ध्यान देना होगा, तभी हम एक बड़े माइलस्टोन की तरफ बढ़ पाएंगे, उसको अचीव कर पाएंगे। ये हालांकि अभी हमारे लिए काफ़ी अच्छी हेल्प, काफ़ी बड़ी बात होती है कि हमने इतना भी कर लिया है कि हमारे 8 बीचेज सिंगल अटेम्प्ट में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अलाउ किए गए हैं, उसे उन्हें परमिशन दी गई है। ऐसा वर्ल्ड में अभी तक कोई भी कंट्री नहीं हुआ है, तो ये इसके लिए आपको थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं एंड आई विल श्योरली आंसर दैट क्वेश्चन। सो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस।